अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए और व्लॉग लाई हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि आज सारा दिन में और रात को कैसा हमारा दिन गुजरा ईद वाला दिन। और ये सेकंड डे था तो कुछ गेस्ट वगैरह भी आने थे और उनके लिए ये अम्मी ने बनाया था आलू और मटन, और ये साथ में मैं पुलाव बना रही थी और साथ में आलू और चिकन के कटलेट्स बना रही थी। और ये बस तीनों को इकट्ठा स्टॉप पे रखा हुआ था ताकि जल्दी जल्दी सब काम हो जाए। आपने मेरे व्लॉग का अंत तक जरूर देखना क्योंकि आज का व्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी है। और फुल सारी वीडियोस देखने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर दें। ये मैं बनाया था मैंने अचार गोश्त भी, और ये अम्मी ने बनाया था आलू और मटन का जो सालन था। और मुझे, मैंने सुबह का कुछ नहीं खाया था, सुबह एक स्लाइस खाया हुआ था और मेरा फुल टाइम बीपी लो हो रहा था। और सारे मेहमान वगैरह जा चुके थे, खाना वगैरह हमने खा लिया। फिर रात के तकरीबन हम 10-11 बजे अपनी सिस्टर के घर गए हैं। ये मेरा जो भांजा है ये अब्बू के साथ इसलिए लग के बैठा हुआ है क्योंकि जब भी नानो घर आते हैं, चले से तीन भाई हैं तो इनका यही होता है कि जब भी नानो घर आते हैं हमारे घर के बिल्कुल पास रहते हैं तो हम उनको बुला लेते हैं, काफ़ी अटैच भी हैं। ये अब्बू के पास ईदी लेने के लिए बैठा हुआ है ना, जैसे ही उसको ईदी मिली तो फौरन से अब्बू की गोद से छलांग लगाई और हमारे पास आ गया और सबको पैसे दे रहा था, मुझे भी दे रहा था, मेरी दोनों सिस्टर्स को भी दे रहा था। मतलब होता ना, बच्चे देते ही नहीं है, कहते सारे पैसे मेरे हैं, ये सबको अब्बू को भी दे रहा था 100 रुपीज। अब्बू कहते चलो पॉकेट में डाल लो, तो इससे रोमबड़ बहना हुआ था, इसके था ये पॉकेट थी ही नहीं इसके सूट पे ना, अब्बू ही चेक कर रहे हैं। ये ईद के दिन ही होती है कि बच्चों को ईदी की होती है, हमें भी होता है कि हमें भी ईदी मिले। तो जो भी अब्बू ने दी, सब तीनों को अब्बू ने ईदी दे दी थी ईद से पहले ही, और भाई ने भी हमें ईद वाले दिन दी, फिर सिस्टर्स ने भी दे दी, फिर उसके बाद एक चाचू के घर गए थे उन्होंने हमें ईदी दी। तो सबसे ज़्यादा ईदी हमें अब्बू ने दी थी, फिर उसके बाद भाई ने दी, बाकी सिस्टर्स ने ईदी दी ना। कह रहे थे मतलब अब उसको कह रहे थे तुम जाके ना अपने भाइयों को बुला के ला, मैं उसको बीड़ी देता हूँ ना। तो ये इसके इससे बच्चा है अभी, इससे वैसे संभाले जा नहीं रहे थे, वो कहते मुझे बकरा दो, तो ये बकरा भी नहीं रहा था फिर। ऐसे बच्चों को भी तंग करने का कितना मजा आता है ना। देखो मेरे साथ इसको पैसे दे, वो अपने भाइयों को बुलाने जा रहा था नीचे, देख अपनी खाला को पैसे दे रहा है, ये सबको बाहर डांट रहा है। इतनी अच्छी इसकी नेचर है माशाल्लाह से, इतनी लविंग नेचर है। बच्चे वैसे माँ बाप ही चाहते हैं। अब मुझे ही दे रही थी माशाल्लाह। ये अब इसका जो है भैया आ गया था और उसको अब्बू ने इसको ईदी दी। मेरे अब्बू को ना रात को जल्दी सो जाने की आदत है तो इस वजह से उनको काफ़ी नींद भी आ रही थी। ये बच्चे पता नहीं क्यों इतने बोतल के शौकीन होते हैं, इनको बस बोतल दे, खाना पीना छोड़ देते हैं, कहते हैं बस बोतल ही डाल दो। अभी बोतल पी रहा है और इसने अभी बोतल पिया, इसको दोबारा से बोतल फिर नजर आई, इसने कहा बोतल दो, खाना इसने छोड़ दिया था। फिर मैं इसको नीचे ले गई, मतलब उठा के नीचे लेके चली गई थी, और क्योंकि हम तो वैसे ही मिलने गए थे बच्चों को और भूख तो बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे बार बार मेरी सिस्टर कही जा रही थी खाओ बताओ क्या खाना है, कि पिज़्ज़ा मंगवा दूँ या कुछ चीज़ें ऐसी, तो उस टाइम बिल्कुल भी भूख नहीं थी। तो फिर उन्होंने हमारे लिए आइसक्रीम मंगवा ली थी। मुझे फीस्ट ना बहुत ज़्यादा पसंद है, ये नया फ्लेवर आया फीस्ट का और इन्होंने पता नहीं कैरामल ऊपर कोट किया हुआ है, मुझे बिल्कुल भी इसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगा। जो ये जो पहले जो फ्लेवर था ना वो ही सबसे बेहतरीन है, अभी उसमें भी मिल जाता है लेकिन ये मैंने टेस्ट किया, मुझे इतना कोई ख़ास इसका फ्लेवर नहीं लगा। जब छोटे होते थे तो ये होता था कि अब ईदी मिलती थी, सबसे पहले हमने आइसक्रीम खानी करनी, फिर जो चीज़ें हमसे नहीं खाई जाती थी, मैं तो एक तलम्मा जैसे कि होता है वो भी खाते थे, और ये आइसक्रीम खानी करनी, और भी दो तीन चीज़ें ऐसी होती थी जो ईद पे हम खास तौर पे खाते थे। ये मेरी सेकंड डे ईद की तैयारी है, जब मैं तैयार हो रही थी और मैं ट्रांजिशन वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी और बन गई थी जैसे कि बनी, मैं आपको इंस्टाग्राम पर मैंने उसकी पोस्ट भी की हुई है।
फर्स्ट डे में तो ये था कि मैंने बिल्कुल ही वो दूसरा ड्रेस बनाया था, लेकिन सेकंड डे बिल्कुल सिंपल ड्रेस था। ये रात तकरीबन 2:30 बज रहे थे और हमें इसके अंदर फिर भूख लगी, क्योंकि जब ईद होती है तो रात भी जागा जाता है। नॉर्मल डेज में भी रात जागते हैं, ईद वाला दिन तो ज़्यादा ही ऐसा होता। तो हम सबको ईदी मिली हुई थी, भाई ने हमें ईदी दी थी, तो हमने सोचा क्यों ना अपना ये सब कुछ मंगवा के ना खा लेते, नए शॉप पर ट्राई किया। अच्छा जी, ये भी जो मेरा आपको नज़र आ रहा है इयरिंग, ये ऐसा था कि ईद के जो फर्स्ट डे था, मैंने एक इयरिंग से अपने सारी ईद गुजारी है। मैं ट्रांजिशन वीडियो बनानी थी तो तभी देखिएगा भाई, एक कान में इयरिंग है, एक कान में इयरिंग नहीं है। तो ये मुझे दराज से, जूती वाले दराज से मिला, मुझे बाम इतना हुआ कि मुझे मिल ही नहीं रहा था। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।